दुनिया से तमाम सारे लोग यहां अयोध्या में आ चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जय श्री राम। कहां से आ रहे हैं आप लोग? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहां से? रामेश्वरम। ऐसे चले आ रहे हैं क्या? कितने हजार किलोमीटर? 4532 किलोमीटर। 4532 किलोमीटर। 4532 किलोमीटर, 4532। आप दोनों, आप कौन? ये पिताजी है मेरे और ये पीछे कार में रहते हैं। और आप ऐसे चलते हैं? हाँ, मैं ऐसे ही चलता हूँ। तो ये प्रण क्यों लिया? हाँ जी, 4532। बहुत बढ़िया। तो 4532 ऐसे चल के आए। रहने वाले कहाँ के? आनंद गुजरात। आनंद गुजरात के? अब्बा जी, आनंद गुजरात के। गुजराती पिता पुत्र का संकल्प है। तो इसमें क्या क्या है गुरुजी? इसमें भगवान राम के वनवास टाइम के जो जो तपोवन था वो उसका मिट्टी है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे वो गए वहाँ वहाँ की मिट्टी आप लेके आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसा संकल्प क्यों लिया था आपने? क्योंकि भगवान श्री राम 500 साल बाद उनके फिर से पावन नगरी में विराजमान हो रहे 22 जनवरी को, तो उस खुशी को मैं क्यों फिर से कुछ अनोखी तरह ना दिखाऊं। थोड़ा गुजराती बोलो ना, थोड़ा आधा समझ में आएगा, थोड़ा गुजराती बोलो ना। तो जयरे भगवान राम 500 वर्ष पची फरी थी आवे छे एमना नगरी में, तो एक खुशी में हूँ केम कई ना करूँ। ते माटे थईने मैं आ उद्देश्य राख्यो के भगवान फरी आवी रह्या छे, तो तेमनी तपोभूमि फरी थी लईने आवुं। तो कहाँ से चल, कितने हजार किलोमीटर चल के आ रहे हैं आप? 4532 किलोमीटर। 4532 किलोमीटर। रोज कितने किलोमीटर चलते हैं? 70-80 किलोमीटर रोज। 70-80। भाजी कितना बोले ये? बहुत बढ़िया बोले। मैंने बोले क्या? 70-80 किलोमीटर रोज। 70-80 किलोमीटर रोज। हे प्रभु, तुम्हारे पैर बताओ कहाँ है। आओ गजब है भाजी। पिता और पुत्र संकल्प यात्रा के तहत, और वो संकल्प ये कि भगवान के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पहुंचना है। 4532 किलोमीटर इस तरह से चल के स्केट करके आए हैं। अद्भुत है। कहाँ से आना हुआ आपका? अयोध्या से। तो आप तो कई किलोमीटर करते आई यहाँ पर? 5-6 किलोमीटर। कहाँ से? भूल गए आप। लेकिन 4532 तो साहब बहुत हो गया। फोर्स भी देख के आपको सैल्यूट मार रही है।